स्टूडेंट बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर का भी एग्जाम चल रहा है और इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराता था, बीए हो, बीकॉम हो चाहे बीएससी हो, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश को मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। और इसके बाद मैं कुछ काम में बिजी हो गया था, इस वजह से आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। तो फाइनली अभी आपको जो भी क्वेश्चन पेपर चाहिए, आप वहां पर कौन सा क्वेश्चन पेपर है उसका नाम लिखिए, पेपर वन है तो पेपर वन, पेपर टू है तो पेपर टू, और बाजू में कौन सा ईयर का है, कौन सा सब्जेक्ट है उसका नाम जरूर लिखिए। फिर मैं क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड करूंगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। अभी बहुत सारे कमेंट आए थे लेकिन उसमें कुछ मेंशन नहीं था कि कौन सी ईयर का था। कई लोग बोलते थे माइक्रोबायोलॉजी का बोलो भेजो सर, कोई फिजिक्स का भेजो, लेकिन भाई मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं और जिस भी स्ट्रीम से है, यानी कि फर्स्ट ईयर से हैं तो फर्स्ट ईयर लिखिए, मैथ्स से चाहिए तो फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर वन, ऐसा आप कमेंट लिखिए, तभी मैं समझ पाऊंगा और उसके ऊपर मैं वीडियो बना पाऊंगा। ऐसे में मैं खुद कंफ्यूजन होता हूं कि कोई लिखता है कि सर मैथ्स का क्वेश्चन पेपर अपलोड कीजिए, बीएससी का तो फर्स्ट ईयर का है कि फाइनल ईयर का, सेकंड ईयर का, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। इसी वजह से आप प्लीज यार ब्रैकेट में सब चीज मेंशन जरूर कीजिए और कंटिन्यू मैं आपको जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैं बनाने की कोशिश करूंगा उस पर वीडियो। तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए और जो भी लेट हुआ है यार आपका कमेंट का रिप्लाई नहीं हुआ उसके लिए मैं सॉरी यार, क्योंकि मैं थोड़ा अपने घर की प्रॉब्लम में बिजी हो गया था। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आप कमेंट बॉक्स पर जल्दी कमेंट कीजिए, मैं जितना जल्दी हो सके आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और आई होप यार आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा होगा और इस समय यार यूनिवर्सिटी में कॉपियां चेक होनी लगभग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारी कॉपियां भी चेक हो गई है तो कई स्टूडेंट खाली पेज छोड़ दिए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को नंबर नहीं दिया जा रहा है। देखो एक भाई साहब ना कमेंट किए थे कि सर आप हर वीडियो में बोलते रहते हो कि पेज को भर के आना, पेज को भर के आना। देखो भाई भर के आने का मतलब मैं ये नहीं बोलता कि आप कुछ भी लिख के आ जाओ, मेरा सिर्फ ये कहना है कि 40 पेज 35 पेज जो भी आपको मिलता है, यदि आप सोचो आप 2 से 3 पेज ही लिखे रहोगे तो सामने वाला चेकर आपको कहाँ नंबर देगा, क्योंकि 2-3 पेज में तो पूरा कवर नहीं होता ना। तो भाई मैं ये कह रहा था जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सबको आप अटेंड किया करो, बल्कि क्वेश्चन आपको आए या ना आए उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ लिखने की जरूर कोशिश किया करो। यदि क्वेश्चन आपका शॉर्ट में है तो शॉर्ट में आंसर दो, लॉन्ग में तो आप लॉन्ग आंसर दो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, अगर कुछ भी नहीं आता है ना आपको तो थोड़ा मोड़ा उससे रिलेटेड कुछ भी सोच के जरूर लिख दो, लेकिन यार क्वेश्चन को ना खाली मत छोड़ के आओ, क्योंकि यदि खाली छोड़ के आओगे तो खाली छोड़ने पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि आप उसमें कुछ लिख के जरूर आओ ताकि एग्जामिनर यार आपको कुछ मार्क्स जरूर दे दे। और जो एग्जामिनर है कॉलेज का उसको यार ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, लगभग 1 से 1.5 मिनट का टाइमिंग मिलता है और उसमें वो स्पीड से चेक करता है, वो बारीकी से बिल्कुल चेक नहीं करता, सिर्फ शुरुआत के हेडिंग को, शुरुआत के लाइन को देखता है और आप कितने शब्दों में लिखे हो लॉन्ग आंसर को, शॉर्ट आंसर को, बस ये पलटी करके पेज को ना पेज के हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से चेकर अंदाजा लगाता है और उसी के भी आपको फुल टू फुल मार्क्स दे के चेकर निकलता है। तो आप यदि आप साल भर पढ़ाई नहीं किए हो फिर भी आप पास हो सकते हो और बस यार आप क्वेश्चन को थोड़ा बहुत ना थोड़ा सा तैयारी करके जरूर जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, और क्वेश्चन नहीं भी आते तो उससे रिलेटेड लिख के जरूर आओ भाई, क्योंकि आपको पास होना है तो इतना करना ही पड़ेगा यार, क्योंकि साल भर नहीं तो आपको वेस्ट हो जाएगा, सप्लीप आ जाओगे, कोई मतलब नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही यार, आई होप वीडियो समझ में आया होगा और जल्दी से आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए जिस भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार, अपने दोस्तों में शेयर करें।